नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। गवाही देने जा रही महिला को कंपनी बाग चौराहे पर ऑटो से खींचकर की मारपीट। गवाही देने जा रही थी महिला, जिसके साथ आरोपी पक्ष ने मारपीट की। महिला को मारपीट कर किया बेहोश। वहीं महिला व परिवारजनों का आरोप है कि पूर्व में भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं दबंग। महिला थाना लाइनपाल के छारबाग की रहने वाली है। वहीं कंपनी बाग पर खड़े स्थानीय लोगों द्वारा घायल महिला को फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घायल महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी छारबाग से ऑटो में बैठकर बयान देने के लिए न्यायालय जा रही थी। इसी के दौरान ऑटो में योगेश और उसके साथ दो तीन युवक और बैठे थे, जो कि छारबाग से निकलकर कंपनी बाग चौराहे तक पहुंचे ही थे कि योगेश और युवकों द्वारा ऑटो को साइड में लगवाकर महिला को ऑटो से खींचकर जमकर मारा पीटा गया, जिससे महिला बेहोश हो गई। महिला को वहां खड़े लोगों द्वारा फिरोजाबाद की इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिरोजाबाद से खास रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। कल मैडम मिली नहीं खराब बता हुआ आज गई तो ऑटो में से राम प्रसाद बघेल का लड़का हो गए और दो लड़के हो गए, इनने मुझे ऑटो में से खींच लिया, खींच के मारते गए। मैंने कंपनी बाग पे ठोका, उनसे हेल्प मांगी, उनने नहीं सुनी। खड़े से बारह का फोन लगाओ, फिर उसको बारह का लगाई, इनने मेरी फोन नहीं डाली। मैंने ससिया की कोठी पर दो आदमी खड़े थे, पुलिस वाले उनसे कि अंकल मेरी हेल्प करो, मार डालेंगे। वो लड़के तो ही मेरे पीछे बाज है, मैं आगे गई, मुझे होती नहीं। तो आप एक स्टोर की बैन देने जा रही थी तो हमने पुलिस नहीं की कि हमारे साथ चलो बैन दिलवाने के लिए? नहीं, मैंने नहीं की, खुद ही आ जाओ। बैन कब होने थे तुम्हारे? आज। फोन कितने लड़के थे? कितने लड़के थे तुम्हारे? नाम बता मालूम है उनका? नाम एक लड़के का नाम है योगेश। योगेश ठिकाने रहता है? मुझे रामनगर। योगेश के बाप का नाम मालूम है? राम प्रसाद। राम प्रसाद, राम प्रकाश के राम प्रसाद। आपका क्या नाम है और क्या घटना घटी है? जसवंत सिंह नाम है मेरा। क्या घटना हुई है आपकी पत्नी के साथ? कहना तो मारपीट कर रही है, कहना राम प्रसाद और कहना तो। किस बात को लेकर मारपीट की है? कहना बयान देने जा रहे थे कोर्ट में, न्यायालय में। बात कहना के यार रामनगर चारबाग से टेम्पू को बैठ कर बैठाया है इनको और जैन मंदिर पर ले लिए, कहना रास्ते में कहना इनके पास में दो तीन लड़के बैठ गए और इनने अभी आके हम बयान में बताया खाना कि योगेश और उसके साथ में दो तीन लड़के थे, वही टेम्पू में ही बैठ गए तुरंत ही और यहाँ कंपनी बाग से साठ में करके इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। कहाँ मारपीट की थी? कंपनी बाग चौराहे पे साठ से कहना टेम्पू लगा लिया था। कंपनी बाग चौराहे पे मारपीट की थी? हाँ। फिर ये कहना कि हमारे पास कहाँ पे रहती है? भागते हुए कहना कि घबराते हुए फोन किया तो बहुत देर में इनका कॉल लगी है। ये तो जो रहने वाली हैं लेडीज़ कहाँ की हैं? छारबाग मोहल्ला सीवीएम वाली गली पे। थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना लाइनपाल। किन लोगों या जो मारपीट की है वो किस बात को लेकर की थी? केस चल रहा था बहुत पुराना, तो वो तो बंद हो गया था, लेकिन 30 जुलाई को इन्हें मारपीट करी हमारे घर में घुस के, कपड़े पहनने के बलात्कार करने का कोशिश किया और फिर भी कहना के कंच के गमले सर पे मार दिए।